14 फरवरी को मोहब्बत का दिन नाम दिया गया है। बॉलीवुड में भी हुस्न की एक ऐसी मलिका हुआ करती थी जिसे मोहब्बत की मिसाल माना गया, जिसकी मोहब्बत बॉलीवुड की अमर प्रेम कहानियों में शामिल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हुस्न की मलिका मधुबाला के बारे में। आज यानी 14 फरवरी 1933 को मधुबाला का जन्म हुआ था। हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री का खिताब मधुबाला को मिला था। मधुबाला का जिक्र जब भी छिड़ता है तो दिलीप कुमार के साथ उनकी सच्ची मोहब्बत के किस्से भी लोगों के जहन में ताजा हो जाते हैं। भले ही मधुबाला और दिलीप कुमार की सच्ची मोहब्बत अधूरी रह गई हो, लेकिन इस अधूरी मोहब्बत का नाम बॉलीवुड की अमर प्रेम कहानियों में शामिल है। एक दौर था जब दिलीप कुमार और मधुबाला ने एक दूसरे को दिल की गहराइयों से चाहा था, लेकिन अफसोस दोनों के नसीब में इनका साथ रहना नहीं था। इनकी मोहब्बत शादी में तब्दील नहीं हो पाई। सायरा बानो से शादी के बाद दिलीप कुमार ने कभी मधुबाला का चेहरा नहीं देखा। यहाँ तक कि जब मधुबाला को कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया, तब भी दिलीप कुमार वहाँ पहुँचने में लेट हो गए। लेकिन किस्मत का अजीब संयोग देखिए, जो जीते जी एक दूजे के नहीं हो पाए, आज वो एक ही कब्रिस्तान में चैन की नींद सो रहे हैं। बीते साल दिलीप कुमार 98 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। उन्हें चूहू के सांता क्रूज स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया था। बता दें कि वही वो कब्रिस्तान है जिससे दिलीप कुमार के दिल के गहरा नाता था, क्योंकि जूहू के इसी कब्रिस्तान में दफन है दिलीप कुमार की मोहब्बत मधुबाला। जी हाँ, 23 फरवरी 1969 को जब मधुबाला दुनिया को अलविदा कह गए थे, तब उन्हें भी इस कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया था। दिलीप कुमार चाहकर भी मधुबाला के जनाजे में शामिल नहीं हो पाए थे, उनके आखिरी दर्शन तक नहीं कर पाए थे। दिलीप कुमार और मधुबाला की अमर प्रेम कहानी किसी से छिपी नहीं रही थी। दिलीप कुमार की जिंदगी में सच्ची मोहब्बत बन कर आई थी मधुबाला। दोनों की मुलाकात 1951 में फिल्म तराना के सेट पर हुई थी। कहा जाता है कि मोहब्बत का इजहार खुद मधुबाला ने एक लव लेटर और गुलाब का फूल भेजकर दिलीप कुमार से किया था, लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान इनकी पाक मोहब्बत के सख्त खिलाफ थे। और फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि दोनों की राहें हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गईं। दिलीप कुमार से अलग होने के बाद मधुबाला ने किशोर कुमार से साल 1960 में शादी कर ली थी। हालांकि मधुबाला के दिल से ना तो कभी दिलीप कुमार की यादें निकल पाई और ना ही कभी दिलीप कुमार मधुबाला को भुला पाए। 23 फरवरी 1969 को मधुबाला ने दिल की बीमारी की वजह से दम तोड़ दिया। दिलीप कुमार को जब मधुबाला के निधन की खबर मिली थी, तब वह चेन्नई में फिल्म गोपी की शूटिंग कर रहे थे। खबर मिलते ही दिलीप कुमार वहां से भागते हुए मुंबई पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मधुबाला को जूहू के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया था। ये तस्वीर मधुबाला के जनाजे की है। फिल्म इंडस्ट्री की कई दिग्गज हस्तियां मधुबाला की अंतिम यात्रा में शामिल हुई थीं। इस तस्वीर में मधुबाला के शव को उनके शौहर किशोर कुमार अपना कंधा देते दिख रहे हैं। मधुबाला को खोने का गम किशोर कुमार के चेहरे पर साफ दिख रहा था। वहीं मधुबाला को दफनाए जाने के 4 दिन बाद दिलीप कुमार उनकी कब्र पर पहुंचे थे। दिलीप कुमार ने मधुबाला की कब्र पर फूल चढ़ाए और काफी देर तक वहीं बैठे रहे। इस दौरान वो एक तक मधुबाला की कब्र को निहारते रहे थे।